चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। देखिए पूरा वीडियो लाइव। चांद पर चंद्रयान बोला, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश। पीएम बोले, अब चंदा मामा दूर के नहीं। 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। लाइव चांद पर चंद्रयान बोला, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश। पीएम बोले, अब चंदा मामा दूर के नहीं। बेंगलुरु 1 घंटा पहले, लेखक देवेंद्र अडले। चंद्रयान 3 ने अपने तय समय 6:04 पर चांद पर लैंडिंग की। लैंडिंग होते ही वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया। चंद्रयान 3 ने अपने तय समय 6:04 पर चांद पर लैंडिंग की। लैंडिंग होते ही वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया। 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखते ही वहां की फोटो भेजी है दैनिक भास्कर। चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखते ही वहां की फोटो भेजी है। रोवर के बाहर आने में 1 दिन भी लग सकता है। इसरो ने बताया कि लैंडर रोवर के सभी सेंसर की टेस्टिंग की जा रही है। सब ठीक रहा तो 3-4 घंटे बाद इसरो से कमांड देकर रोवर को बाहर निकाला जाएगा। चीजें तय पैमाने पर नहीं हुई तो फिर रोवर को बाहर निकालने का फैसला 24 घंटे बाद किया जाएगा। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा, अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में 1 दिन का समय भी लग सकता है। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। हमारे कई मिशन कतार में हैं। जल्दी सूर्य पर आदित्य L1 भेजा जाएगा। गगनयान पर भी काम जारी है। चांद पर पहुंचकर चंद्रयान 3 ने मैसेज भेजा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। वहीं साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई देकर कहा, अब चंदा मामा दूर के नहीं। चांद पर कामयाब लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश। इस कामयाबी के साथ भारत चांद के किसी भी हिस्से में मिशन लैंड कराने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ही ऐसा कर सके हैं। लैंडिंग के आखिरी 20 मिनट थे मिन्स ऑफ टेरर। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 20 मिनट लगे। इस ड्यूरेशन को 20 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 20 मिनट्स कहा जा रहा था। ये मिनट्स ऑफ टेरर शाम 5:44 पर शुरू हुए। तब लैंडर से चंद्रमा 31 किलोमीटर दूर था। उसकी वर्टिकल लैंडिंग प्रोसेस शुरू हुई। कामयाब लैंडिंग के बाद रोवर के बाहर निकलने का इंतजार। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। धूल का गुबार शांत होने के बाद यह बाहर आएगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर भेजेंगे। चंद्रयान मिशन को ऑपरेट कर रहे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान को श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया था। 41वें दिन चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की प्लानिंग की गई। पीएम मोदी बोले, चंदा मामा के दूर के नहीं, एक टूर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, ये क्षण भारत के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृतकाल में अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। क्रिस बैनर लाइव चांद पर चंद्रयान बोला, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश। पीएम बोले, अब चंदा मामा दूर के नहीं। बेंगलुरु 1 घंटा पहले, लेखक देवेंद्र अडलिक। चंद्रयान 3 ने अपने तय समय 6:04 पर चांद पर लैंडिंग की। लैंडिंग होते ही वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया। चंद्रयान 3 ने अपने तय समय 6:04 पर चांद पर लैंडिंग की। लैंडिंग होते ही वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया। 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखते ही वहां की फोटो भेजी है दैनिक भास्कर। चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखते ही वहां की फोटो भेजी है। रोवर के बाहर आने में एक दिन भी लग सकता है। इसरो ने बताया कि लैंडर रोवर के सभी सेंसर की टेस्टिंग की जा रही है। सब ठीक रहा तो 3-4 घंटे बाद इसरो से कमांड देकर रोवर को बाहर निकाला जाएगा। चीजें तय पैमाने पर नहीं हुई तो फिर रोवर को बाहर निकालने का फैसला 24 घंटे बाद किया जाएगा। इसरो के डायरेक्टर सोमनाथ ने कहा, अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में एक दिन का समय भी लग सकता है। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। हमारे कई मिशन कतार में हैं। जल्दी सूर्य पर आदित्य L1 भेजा जाएगा। गगनयान पर भी काम जारी है। चांद पर पहुंचकर चंद्रयान 3 ने मैसेज भेजा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। वहीं साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई देकर कहा, अब चंदा मामा दूर के नहीं। चांद पर कामयाब लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश। इस कामयाबी के साथ भारत चांद के किसी भी हिस्से में मिशन लैंड कराने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ही ऐसा कर सके हैं। लैंडिंग के आखिरी 20 मिनट थे मिनट्स ऑफ टेरर। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 20 मिनट लगे। इस ड्यूरेशन को 20 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 20 मिनट्स कहा जा रहा था। ये मिनट्स ऑफ टेरर शाम 5:44 पर शुरू हुए। तब लैंडर से चंद्रमा 31 किलोमीटर दूर था। उसकी वर्टिकल लैंडिंग प्रोसेस शुरू हुई। कामयाब लैंडिंग के बाद रोवर के बाहर निकलने का इंतजार। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। धूल का गुबार शांत होने के बाद यह बाहर आएगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर भेजेंगे। चंद्रयान मिशन को ऑपरेट कर रहे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान को श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया था। 41वें दिन चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की प्लानिंग की गई। पीएम मोदी बोले, चंदा मामा के दूर के नहीं, एक टूर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, ये क्षण भारत के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृतकाल में अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। पीएम मोदी ने इसरो चीफ से फोन पर बात की। मोदी ने कहा, आपका नाम सोमनाथ है। आपके नाम में ही चांद सोम है। आपके पूरे परिवार को सफलता की बधाई। तब रूस के नाम हो जाता ये रिकॉर्ड। भारत से पहले रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान उतारने वाला था। 21 अगस्त को ये लैंडिंग होनी थी, लेकिन आखिरी ऑर्बिट बदलते समय रास्ते से भटक गया और चांद की सतह पर क्रैश हो गया। चांद पर लैंडिंग में 41 दिन लगे। चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 3:35 पर लॉन्च हुआ था। इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करने में 41 दिन का समय लगा। धरती से चांद की कुल दूरी 384,000 किलोमीटर है। लैंडिंग के बाद अब क्या होगा? डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर आएगा। पहिए चांद की टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की। ये फोटो वे पृथ्वी पर भेजेंगे। 50 साइंटिस्ट की रात आंखों में कटी। कमांड सेंटर में रहा उत्साह, बेचैनी का माहौल। इसरो के बेंगलुरु स्थित टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर इस्ट्रेक के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स मॉक्स में 50 से ज्यादा वैज्ञानिक कंप्यूटर पर चंद्रयान 3 से मिल रहे आंकड़ों की मंगलवार रात भर पड़ताल में जुटे रहे। वे लैंडर को इनपुट भेजते रहे ताकि लैंडिंग के समय गलत फैसला लेने की हर गुंजाइश खत्म हो जाए। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। चंद्रयान 3 ने अपने तय समय 6:04 पर चांद पर लैंडिंग की। लैंडिंग होते ही वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया। चंद्रयान 3 ने अपने तय समय 6:04 पर चांद पर लैंडिंग की। लैंडिंग होते ही वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया। 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया।
भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखते ही वहां की फोटो भेजी है। रोवर के बाहर आने में एक दिन भी लग सकता है। इसरो ने बताया कि लैंडर रोवर के सभी सेंसर की टेस्टिंग की जा रही है। सब ठीक रहा तो 3-4 घंटे बाद इसरो से कमांड देकर रोवर को बाहर निकाला जाएगा। चीजें तय पैमाने पर नहीं हुई तो फिर रोवर को बाहर निकालने का फैसला 24 घंटे बाद किया जाएगा। इसरो के डायरेक्टर सोमनाथ ने कहा, अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में एक दिन का समय भी लग सकता है। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। हमारे कई मिशन कतार में हैं। जल्दी सूर्य पर आदित्य L1 भेजा जाएगा। गगनयान पर भी काम जारी है। चांद पर पहुंचकर चंद्रयान 3 ने मैसेज भेजा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। वहीं साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई देकर कहा, अब चंदा मामा दूर के नहीं। चांद पर कामयाब लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश। इस कामयाबी के साथ भारत चांद के किसी भी हिस्से में मिशन लैंड कराने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ही ऐसा कर सके हैं। लैंडिंग के आखिरी 20 मिनट थे मिनट्स ऑफ टेरर। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 20 मिनट लगे। इस ड्यूरेशन को 20 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 20 मिनट्स कहा जा रहा था। ये मिनट्स ऑफ टेरर शाम 5:44 पर शुरू हुए। तब लैंडर से चंद्रमा 31 किलोमीटर दूर था। उसकी वर्टिकल लैंडिंग प्रोसेस शुरू हुई। कामयाब लैंडिंग के बाद रोवर के बाहर निकलने का इंतजार। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। धूल का गुबार शांत होने के बाद यह बाहर आएगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर भेजेंगे। चंद्रयान मिशन को ऑपरेट कर रहे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान को श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया था। 41वें दिन चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की प्लानिंग की गई। पीएम मोदी बोले, चंदा मामा के दूर के नहीं, एक टूर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, ये क्षण भारत के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृतकाल में अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। क्रिस बैनर लाइव चांद पर चंद्रयान बोला, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश। पीएम बोले, अब चंदा मामा दूर के नहीं। बेंगलुरु 1 घंटा पहले लेखक देवेंद्र अडले। चंद्रयान 3 ने अपने तय समय 6:04 पर चांद पर लैंडिंग की। लैंडिंग होते ही वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया। चंद्रयान 3 ने अपने तय समय 6:04 पर चांद पर लैंडिंग की। लैंडिंग होते ही वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया। 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। रोवर के बाहर आने में एक दिन भी लग सकता है। इसरो ने बताया कि लैंडर रोवर के सभी सेंसर की टेस्टिंग की जा रही है। सब ठीक रहा तो 3-4 घंटे बाद इसरो से कमांड देकर रोवर को बाहर निकाला जाएगा। चीजें तय पैमाने पर नहीं हुई तो फिर रोवर को बाहर निकालने का फैसला 24 घंटे बाद किया जाएगा। इसरो के डायरेक्टर सोमनाथ ने कहा, अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में एक दिन का समय भी लग सकता है। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। हमारे कई मिशन कतार में हैं। जल्दी सूर्य पर आदित्य L1 भेजा जाएगा। गगनयान पर भी काम जारी है। चांद पर पहुंचकर चंद्रयान 3 ने मैसेज भेजा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। वहीं साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई देकर कहा, अब चंदा मामा दूर के नहीं। चांद पर कामयाब लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश। इस कामयाबी के साथ भारत चांद के किसी भी हिस्से में मिशन लैंड कराने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ही ऐसा कर सके हैं। लैंडिंग के आखिरी 20 मिनट थे मिनट्स ऑफ टेरर।
चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 20 मिनट लगे। इस ड्यूरेशन को 20 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 20 मिनट्स कहा जा रहा था। ये मिनट्स ऑफ टेरर शाम 5:44 पर शुरू हुए। तब लैंडर से चंद्रमा 31 किलोमीटर दूर था। उसकी वर्टिकल लैंडिंग प्रोसेस शुरू हुई। कामयाब लैंडिंग के बाद रोवर के बाहर निकलने का इंतजार। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। धूल का गुबार शांत होने के बाद यह बाहर आएगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर भेजेंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।